आप में से काफ़ी लोगों के पास बजाज का डिजिटल EMI कार्ड होगा और आपने बहुत सारे मोबाइल या कोई भी और प्रोडक्ट EMI पर लिया होगा। मान लो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और आपके अकाउंट में जितने भी EMI है उसको आप एडवांस में भरना चाहोगे तो कैसे भरोगे। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सीख जाओगे कि बजाज का EMI एडवांस में कैसे भरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना हमारा चैनल। तो आइए शुरू करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के मैं वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको बजाज फिनसर्व डालना होगा, उसके बाद उसको ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर डाल देना। उसके बाद जो भी आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो बजाज के साथ रजिस्टर है, उसके लिए आपको साइन इन विथ मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल बजाज में रजिस्टर है वो डाल दो। उसके बाद OTP आ जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको सी डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो भी EMI हो गए वो यहाँ पर शो होते जाएंगे। तो उसके बाद आपको पे नाउ पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अगर मान लो अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं होगा और जो भी आपका कौन सा भी EMI मिस हुआ होगा तो आप यहाँ से प्रोसीड में जाकर वहाँ से EMI भर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर क्लोजर। अगर मान लो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते और आपके पास जितना भी आपने EMI लिया है उसको आप क्लोज करना चाहते हो, एक ही साथ पूरा पैसा भरना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर आना होगा और प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना पैसा मुझे अभी तक EMI के तौर पर भरना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर फोर क्लोज का रीज़न देना होगा, कुछ भी लिख लो। उसके बाद पे पर क्लिक करने के बाद आपके पास डेबिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। ये सब बहुत ही सिंपल है, आप इजीली EMI कर दोगे। उसके बाद आता है एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट मतलब क्या, अगर मान लो अगर आपके पास अभी पैसा है और आपके पास 4 या 5 लोन हो गए तो आप उसको मतलब जितना भी 1 या 2 महीने का EMI है वो एडवांस में भर दो। उसके लिए हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर वो लोग बता रहे कि नंबर ऑफ EMIs 4 EMIs यहाँ पर बाकी है। तो पे नाउ पर करने के बाद जो भी एडवांस EMI से आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 करके एडवांस EMI आप भर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू या तेज के थ्रू आप इसको भर सकते हैं। बस फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना था कि आप किस तरह से बजाज फिनसर्व का एडवांस EMI भर सकते हैं। अगर आपको कभी प्रॉब्लम हुआ तो नीचे कमेंट जरूर करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी बनाए हैं, आप वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो या मैसेज कर सकते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।